अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सासोल रोड पे। ये 3 साल पहले यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे 37 करोड़ रुपए मंजूर हो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। जो पहले बचा कुचा था वो भी इन लोगों ने डोज़र करवा के इनका खाना खराब कर दिया। अभी लोग यहाँ पे सफ़र कर भी नहीं सकते हैं, जो पहले गाड़ियाँ थी अभी वो सफ़र नहीं कर सकते। छोटी गाड़ियाँ 4x4 और बाइक जहाँ पे सफ़र कर सकते हैं मजबूरी में, ये यहाँ के इलाके के लोग हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं, इनसे भी पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वारिस भाई, आज हम लोग ये रोड के ऊपर बना रहे हैं एक वीडियो, तो आप इसका बना दो, कैसा इसका कमेंट्स किस तरह? जी जी, ठेकेदार लोग काम नहीं के आधे में किराया छोड़ दिया है रास्ता का। ये रोड का हाल है, देखो ना, अभी तुम खुद देखो। हम भी काउंसलर हो, आप भी बताओ। सही नहीं है, नहीं काम नहीं कर रहे हैं, पैसे लेके बस भाग रहे हैं, किधर है काम देखो। अच्छा अच्छा, सही है ना? ठीक है, बिल्कुल। इसका जे भी यहाँ पे आवाम है, रोड का क्या पोजीशन है, क्या हालत है? हालत खराब है, हालत डेंजर है भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। रोड का क्या पोजीशन है, हालत कैसा है इनका? बुरा हाल है, बुरा हाल है। सफर करने में दुश्वारी हो रही है, मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकता है। बस चलो, अल्लाह खैर करे। आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहती हैं? गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसको अच्छी तरीके से बनाएं। चाचा नहीं अंत पास रोड है, पोजीशन खराब है दादी, डोर केयर तो चलिए रखा कार रखा बड़ी गाड़ी मरा का काय बड़ी गवर्नमेंट ना गया सीधा सदाटी। जी यहाँ पे नाजरीन आप लोग देख सकते हो, ये सफर में मसरूफ हैं, तो इनके साथ हम भी आगे चलते हैं, आपको आगे भी बताएंगे, और ये रोड की क्या पोजीशन है वो भी आपको दिखाएंगे।